देखना आज कैसे मैं रैकेट को रिपेयर करता हूँ। ये टूटा हुआ रैकेट है, इसको खेलने लायक दोबारा कैसे बनाया जाता है, आज इसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। फॉलो करिए, मेरा नाम राकेश सैनी, मेरा चैनल, आप उसको लाइक और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने एक ड्रिल मशीन ली है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं दो होल कर रहा हूँ, ये आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे ऐसे, मैंने ये दो कील काट लिए हैं, ठीक है। इनका वेट अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम के करीब है। ये दो कील है, आप देखिए, आपको कैमरे में नजर आ रहे होंगे, ये दो कील काट ली है अप्रोक्सीमेटली। ये छोटे छोटे कील है, इतनी लेंथ के हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। बस इस कील को आपने, ये दो कील्स हैं, इनको आपने एक को इधर और दूसरे को ऐसे सेट करके, देखिए ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ चुका है। ये आपका ब्रोकर रैकेट। अब आप इस पे एल्फी, फेविक्विक या एराटाइट से इसको फिल कर सकते हैं, जिससे ये हिले नहीं अपनी पोजीशन से, अपने पोजीशन में रहे। तो जो इसके वो है, इनको आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसमें एराटाइट भरूंगा, सॉरी एल्फी भरूंगा, ताकि ये अपनी पोजीशन पे टिक जाए, जिससे कि ये बेंड ना हो। जब आप इसकी स्ट्रिंग वगैरह इसको डाल रहे हो, तब ये अपनी पोजीशन पे रहे। दोस्तों मेरे पास ये एल्फी है, दोस्तों जब भी आप एल्फी यूज करते हो तो हमेशा उसके नीचे कुछ ना कुछ रख लो, ताकि वो आपके टेबल को या फिर आपकी जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसको, उस पे चिपके ना। मैंने ये एल्फी लगा ली है, ठीक है जी, दोनों तरफ। तो मैं इसको फिट कर रहा हूँ दोबारा। तो दोस्तों इस तरह ये फिट करके उसके ऊपर मैंने ये एल्फी चिपका दी है, ताकि ये यहाँ से खुले ना। सो दोस्तों इस तरह आपका ये रैकेट रिपेयर हो चुका है। अब आप इसको सूखने के लिए रख दीजिए, और देखिए ये आपका रैकेट रिपेयर हो गया। ये अब नहीं खुलेगा, ये देखिए मैं पूरा जोर से लगा रहा हूँ,
ये चिपक चुका है। अब आप इस पर केबलिंग करवा लीजिएगा, केबलिंग कर लीजिए या करवा लीजिएगा, जैसे भी आप कर सकते हो। आप किसी भी शॉप पे जाओगे वो आपका रैकेट रिपेयर नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको बोलेंगे कि आप नया रैकेट ले लीजिए, ये चलेगा नहीं जी। मैं 100% श्योर करता हूँ कि ये आपका पूरी तरह चलेगा रैकेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।